प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन धन कार्य। आज हम यहाँ महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम पे इधर मिल के बैठे हुए हैं, जिसे हम एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी एंड हिज कंप्लीट सरेंडर फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, लव फॉर ऑल। और जैसे पहले भी दास ने बोला था, ही वॉज जस्ट लव पर्सोनिफाइड। आपने अभी महापुरुषों को कविताओं में, गीतों में, प्रवचनों में सुना, किस प्रकार सबने जिक्र किया कि अपनी सेहत की, खाने पीने की, आराम की चिंता किए बगैर उन्होंने दिन रात मिशन के लिए लगाया, ताकि इस ब्रह्म ज्ञान को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें। वह जिसे भी मिले, भले पहली बार मिले, एक अपनी छाप छोड़ी बाबा जी ने सब पे। और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं बोला सबको, उन्होंने खुद प्यार करके दिखाया सबको। एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली लव्ड, बिकम लव। साध संगत जी, यहाँ बाबा जी का परिवार बैठा है सारा। अक्सर हम एक बच्चे को देख के बोलते हैं, इसका बिहेवियर, इसका बातचीत करने का तरीका अपने पिताजी से कितना मिलता है। तो बाबा जी ने तो सबको सिर्फ प्रीत, प्यार, नम्रता सिखाई। जिसको मिले झुक के मिले, अदब से मिले, सबके लिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, सबके लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट था। साध संगत जी, हर गुरसिख का जीवन ऐसे बन जाए ताकि जो भी मिले हम उसको प्रीत, प्यार, नम्रता से मिलें, और ऐसी पहचान बन जाए ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े ये कौन है। हमारे कर्मों से हमारी निरंकारी होने की पहचान बन जाए। साध संगत जी, हमने बढ़ चढ़ के इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाना है, बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है, और हमने अपनी कर्मों द्वारा अपनी लकीर लंबी करनी है। किसी की लकीर मिटा के अपनी लकीर लंबी नहीं करनी। साध संगत जी, एक एक गुरसिख के फेस से ऐसी डिविनिटी रिफ्लेक्ट करे, पीस, सेरेनिटी रिफ्लेक्ट करे कि जो भी देखे एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो। और ऐसा ही जीवन बाबा जी ने सारे महापुरुषों से चाहा। अरदास करें सबका ऐसे बन पाए और मिशन को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएं। साध संगत जी, धन निरंकार जी।